में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। अयोध्या में भी पुरोहित समाज के लोगों ने भी मनाया स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। पर क्या कहा, पुरोहित समाज के लोगों ने आई सुनते हैं। वंदे महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, जय श्री राम, जय श्री राम। 15 अगस्त दिवस पर सारे देशवासियों को, नगर वासियों को, तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा और यहाँ के दुकानदारों के द्वारा सबको नमन करते हैं। और देश का गौरव है 15 अगस्त, उस गौरव के छवि में जानकी घाट बड़ा स्थान पर तीर्थ पुरोहित समाज एवं दुकानदार मिल करके झंडारोहण किए, सारे देश में राम नाम का प्रचार हो, हिंदू जागृत हो। और जिस तरह हिंदू धर्म का ये ध्वज है, ये ध्वज हमेशा चमकता रहे। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे और व्यापारी वर्ग जो दिन रात जुलूस के साथ लगे थे, उनका भी जय श्री राम। आज पूरे देश को आज़ादी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई व अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ बांग्लादेश में हुई मानवता पर जो बर्बरता है, उसके लिए विश्व बिरादरी से मैं एक आह्वान भी करना चाहता हूँ। जैसे अभी अभी एक खबर आई है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो है केस चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज बांग्लादेश भूल चुका है कि 1971 में जिस प्रकार हिंदुओं ने जंग लड़के उन्हें आज़ादी दिलाई, मानवता दिखाई, उनके लोगों को इज्जत आबरू बचाई, हमारे देश के लोग शहीद हुए, आज उनकी शहादत हम लोग मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का हमें गम है कि विश्व बिरादरी एक सही एक्शन ले। और मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों को वही दंश झेलने के लिए उनको विश्व बिरादरी से ही अलग कर दिया जाए, किसी प्रकार का दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जब विश्व बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा, वो खुद ही दंडित हो जाएंगे, और उन्हें जो हिंदुओं को दर्द दिया उन्होंने, उनको भी एहसास होगा कि दर्द कैसे दिया जाता है। इसी के साथ मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को और पूरे देशवासियों को, जहाँ भी हमारे भारतवासी बसे हैं, उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना व बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम।